बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टेक आवर लेक्चर ऑन प्ले नंबर 3, द ऑस्टियर एंड द पर्ल। इन टुडेज लेक्चर वी शैल स्टडी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस प्ले एंड सम पेयर्स ऑफ वर्ड्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डज द प्ले द ऑस्टियर एंड द पर्ल टेक प्लेस। ये जो प्ले है ऑस्टियर एंड द पर्ल, ये कहाँ पर वकूफ पजीर होता है? इसी स्टेटमेंट को दूसरी तरह से डिस्क्राइब द सीन ऑफ द प्ले द ऑस्टियर एंड द पर्ल। इसका जो मंजर है उसको बयान कीजिए। ये जो ऑस्टियर एंड द पर्ल प्ले है, इसका मंजर बयान कीजिए। आंसर है इसका, इट टेक्स प्लेस, ये वकूफ पजीर होता है एट हैरीज शॉप। हैरी इसमें जो मेन कैरेक्टर है, उसकी दुकान पर यह जो ड्रामा है वकूफ पजीर होता है। इन ओके बाय द सी, ओके बाय द सी जो कि कस्बे का नाम है, इस कस्बे में हैरी की शॉप है, उसमें ये जो ड्रामा है वो वकूफ पज़ीर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू हैरी, हैरी के मुताबिक, हाउ डस वन ब्रिंग मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, कि किस तरह से हम थके मंदा इंसानी दिलों को खुशी दे सकते हैं। मैरीमेंट का मतलब खुशी लेना, ब्रिंग का मतलब लेके आना, टायर्ड का मतलब थके मंदा, ह्यूमन हार्ट इंसानी दिलों को। हैरी के मुताबिक हम थके मंदा इंसानी दिलों को खुशी कैसे दे सकते हैं? आंसर है इसका, ही सेज दैट, वो कहता है, वन कैन ब्रिंग मैरीमेंट, के हम किसी को खुशी दे सकते हैं, टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, थके मंदा इंसानी दिलों को, बाय कंपोजिंग अ सिम्फनी, एक धुन को तरतीब देकर। कंपोज मीन तरतीब देना, सिम्फनी कहते हैं धुन को। पेंटिंग अ पिक्चर, एक तस्वीर को बनाकर, पेंट मीन मुसव्वरी करना, एक तस्वीर को बनाकर। राइटिंग अ बुक, एक किताब लिखकर। आर इन्वेंटिंग आ न्यू फिलॉसफी, या फिर कोई नया फलसफा ईजाद करके हम थके मंदा इंसानी दिलों को खुशी दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हैरीज फिलॉसफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैरी की फिलॉसफी क्या है, हैरी की जो लाइफ का फलसफा है, ज़िंदगी का फलसफा है, वो क्या है? आंसर इसका, हैरीज फिलॉसफी शोस अ वे टू लिव, हैरी की जो फिलॉसफी है वो ज़िंदगी बिताने का तरीका हमें सिखाती है। शोस मीन जाहिर करना, बताना, दिखाना, लिव कहते हैं ज़िंदा रहने को। और वो फिलॉसफी क्या है, इट इज़ टेक इट ईजी वे, और वो ये है कि आप ज़िंदगी को बहुत ही पुरसकून अंदाज में बसर करो। टेक इट ईजी वे का मतलब बहुत पुरसकून अंदाज में, आसान तरीके से ज़िंदगी बसर करना। नेक्स्ट है, हाउ मच हैरी पे फॉर हिज बारबर शॉप, हैरी ने अपनी इस दुकान के लिए कितने पैसे अदा किए जिस दुकान में वो रह रहा है। हाउ लॉन्ग हैज़ हैरी बीन इन ओके बाय द सी, हैरी ओके बाय द सी में कब से कयाम पजीर है? आंसर इसका, ही पेड $75 फॉर द शॉप, उसने उस दुकान के लिए $75 जो हैं वो अदा किए। ही हैज़ बीन लिविंग इन ओके बाय द सी, वो ओके बाय द सी में रह रहा है फॉर 24 years, पिछले 24 साल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बारबर्स आर देयर इन ओके बाय द सी, ओके बाय द सी में कितने हजाम हैं? बारबर का मतलब हजाम, ओके बाय द सी में कितने हजाम हैं जी? हैरी इज़ द ओनली बारबर इन ओके बाय द सी, इसका आंसर है कि हैरी अकलौता हजाम है ओके बाय द सी जो कस्बा है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डज हैरी चार्ज फॉर हेयर कट्स, हैरी बाल काटने के कितने पैसे लेता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका, ही चार्जेस $1 फॉर अ हेयर कट, वो बाल काटने का $1 वसूल करता है। बट एज द पीपल इन द टाउन आर पुअर, लेकिन जैसा कि कस्बे के लोग जो हैं वो गरीब हैं, ही टेक्स अ हाफ आर अ क्वार्टर इवन, तो वो उनसे $0.25 भी वसूल कर लेता है और $1 का चौथाई हिस्सा भी जो है वो वसूल कर लेता है। हाफ मीन आधा, क्वार्टर कहते हैं चौथाई हिस्से को। और बाज़ अवक़ात वो गरीबों की हजामत मुफ्त भी कर देता है। वाई डज क्ले नीड मनी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्ले को पैसों की क्यों ज़रूरत है? आंसर इसका, ही नीड्स मनी, उसको पैसों की ज़रूरत है, टू ब्रिंग हिज फादर बैक, अपने बाप को घर वापस लाने के लिए। मतलब कि उसका वालिद साहब जो हैं वो घर छोड़कर चले गए हैं, वो अपने वालिद साहब को घर वापस लाना चाहता है। ही आल्सो वांट्स टू बाय अ गिफ्ट फॉर हिज मदर, वो अपनी माँ के लिए तोहफा भी खरीदना चाहता है, तो इसलिए उसको पैसों की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट हैज़ हैपन टू क्ले फादर, क्ले के बाप को क्या हुआ है?
वो घर छोड़कर क्यों चला गया है? आंसर इसका, एज क्लेस मदर फाइट्स विद क्लेज फादर, क्ले की जो वालिदा है वो क्ले के बाप के साथ लड़ती है। फॉर नॉट प्रोवाइडिंग हिज चिल्ड्रन विद द बेसिक नीड्स, इस वजह से लड़ती है कि वो अपने बच्चों को जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं वो मुहैया नहीं कर सकता। प्रोवाइडिंग का मतलब मुहैया करना, बेसिक नीड्स का मतलब बुनियादी ज़रूरियात। ही लीव्स हिज हाउस, वो अपना घर छोड़ता है एंड गोज टू सेलिनास, और साथ वाले गांव में एक कस्बा है जिसका नाम सेलिनास है, उसमें चला जाता है टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार करिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है, अब इसमें पेयर्स ऑफ वर्ड्स होंगे जो कि हम 81 to 85 तक जो है वो करने चाह रहे हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहला है डेजर्ट। डेजर्ट हम कहते हैं सहरा को। कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, इसका ये जुमला है कि ऊंट को सहरा का जहाज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है डेजर्ट, मीठी चीज़ जो शरीनी वगैरह होती है उसको हम डेजर्ट का नाम देते हैं। वी हैड आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, हमने मीठे में आइसक्रीम जो है वो खाई, ये कह सकते हैं। डेजर्ट का मतलब हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद कोई जो मीठी चीज़ खाते हैं उसको हम लोग डेजर्ट का नाम देते हैं, और इसमें एक एस का इजाफा होता है सहरा की निस्बत। नेक्स्ट है डिस्कवर, दरियाफ्त करना। अ डेड बॉडी वॉज डिस्कवर्ड इन द पॉन्ड, तालाब में से एक लाश जो है वो बरामद हुई, दरियाफ्त हुई। डिस्कवर्ड मीन दरियाफ्त होना, पॉन्ड हम कहते हैं तालाब को। नेक्स्ट है इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब ईजाद करना। शी कैन इन्वेंट न्यू स्टोरीज, वो नई कहानियाँ ईजाद कर सकती है। इससे नेक्स्ट है डोज, डोज का मतलब ऊँगना यानी कि गनूदगी की हालत में होना, नींद का जो गलबा है किसी इंसान पर जब वो होना लगता है तो उस हालत को, उस कैफियत को हम लोग ऊँगना कहते हैं। ही वॉज डजिंग इन द क्लास, वो क्लास में ऊँग रहा था। डी ओ एस ई, डोज का मतलब दवाई की, मेडिसिन की जो खुराक होती है उसको हम कहते हैं। टेक अ डोज ऑफ मेडिसन, बराह करम दवाई की खुराक जो है वो ले लें। नेक्स्ट है ड्रॉट, ड्रॉट हम कहते हैं घूंट को, सिप इसको हम कह सकते हैं। ही ड्रैंक अ कप ऑफ टी इन सिंगल ड्रॉट, वो चाय का कप एक ही घूंट में नोश फरमा गया। DRAUGHT खुश्क साली को हम कहते हैं, कहत को हम कहते हैं ड्रॉट। ड्रॉट रोइंड द क्रॉप्स दिस ईयर, खुश्क साली ने इस साल फसलों को तबाह कर दिया। रोइंड का मतलब तबाह कर देना, क्रॉप्स हम फसलों को कहते हैं। नेक्स्ट है ड्राउन, जानदार चीज़ का डूबना ड्राउन कहलाता है। अ ड्राउनिंग मैन कैचिस एट असट्रा, डूबते को तिनके का सहारा। और इससे नेक्स्ट है सिंक, सिंक का मतलब होता है बेजान चीज़ का डूबना, और सिंक हम ये जो हमारे बेसन वगैरह होते हैं उनको भी कहते हैं। सिंक मीन बेजान चीज़ का डूबना। आयरन सिंक्स इन वाटर, लोहा पानी में डूब जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्ले नंबर 3 द ऑस्टेयर एंड द पर्ल उसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं, और साथ में हमने पेयर्स ऑफ वर्ड्स पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे और समझेंगे। इसके बारे में जो कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कंसल्ट भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।